हरियाणा की सियासत में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। इस बार सरकार की सिरदर्दी की वजह बनी है मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने गुरुवार को प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार को भ्रष्ट सरकार बताते हुए समर्थन वापस ले लिया। यहां भाजपा सरकार निर्दलीय विधायकों और जननायक जनता पार्टी के समर्थन वाली बैसाखी पर खड़ी है। जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम पहले ही मंत्री पद ना मिलने की वजह से नाराज हैं। वैसे जब तक इस सरकार को दुष्यंत चौटाला का समर्थन हासिल है तब तक सरकार को निर्दलीय विधायकों की नाराजगी से कोई खतरा नहीं है। बीजेपी को जब हरियाणा में बहुमत नहीं मिला तो पहले वो निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में जेजेपी को शामिल कर लिया जिसके उसका दबाव कम हो गया और सभी सात निर्दलीय विधायकों को मंत्री पद देने से उसे मुक्ति मिल गई। चुनाव में बीजेपी को 40, जेजेपी को 10 जबकि निर्दलीय को 7 सीटें मिली थी। सरकार गठन के बाद ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई और रानिया से निर्दलीय विधायक रणदीप सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद 4 विधायकों को बोर्ड व निगमों का चेयरमैन बना दिया गया। 5 विधायकों को पद देकर उन्हें शांत करा दिया गया। फिर 2 निर्दलीय विधायक बचे हैं जिन्हें कोई पद नहीं मिला। इसमें महम से विधायक बलराज कुंडू और बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद शामिल हैं। चर्चा है कि कुंडू मंत्री पद की दौड़ में थे लेकिन पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के चलते उनका पत्ता कट गया। इस वजह से कुंडू मनीष ग्रोवर के बहाने मनोहर लाल खट्टर पर हमलावर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने गुरुवार को प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार को भ्रष्ट सरकार बताते हुए समर्थन वापस ले लिया है। कुंडू ने कहा कि शुगर मिल भ्रष्टाचार मामला उन्होंने उठाया था लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में क्लीन चिट दिए जाने से वह बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। विधानसभा में महम का प्रतिनिधित्व करने वाले कुंडू ने कहा कि मैंने एक ईमानदार मुख्यमंत्री एवं ईमानदार सरकार को अपना समर्थन दिया था लेकिन मुझे पता चला कि यह केवल ईमानदारी का चोला भर है। विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि मैं इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं और शुक्रवार को औपचारिक तौर पर मैं अपना पत्र राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दूंगा। इससे पूर्व आज दिन में कुंडू ने विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाषण में कई बार व्यवधान पैदा किया। खट्टर राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की ईमानदारी और वफादारी पर शक नहीं है लेकिन जिस तरह से उन्होंने सदन में जवाब दिया उससे मैं बुरी तरह से आहत हुआ हूं। जो सीएम की हां में हां रखते हैं केवल वही ईमानदार हैं, वे ही उनके वफादार हैं, फिर चाहे वे भ्रष्टाचार में ही क्यों ना शामिल हो। आइए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। मैंने पहले भी आप सभी साथियों को बताया था, मैंने ईमानदार सरकार को और ईमानदार मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया था लेकिन आज मुझे इस बात का पता लगा ये सिर्फ एक ढकोसला है और मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं अपना समर्थन वापस लेने की कल सुबह जो है ना स्पीकर साहब को अपना लेटर सौंप दूंगा। क्योंकि ये कारण वजह यही है, आज जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने घर चला गया था आप साथियों से मिलकर, लेकिन जब मैंने लाइव पे टीवी में देखा किस प्रकार से उन मुद्दों का यूएलबी डिपार्टमेंट में एसआईटी गठित हो चुकी है लेकिन एसआईटी गठित होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी सारे मुद्दों का जस्टिफिकेशन देने में लगे हुए थे। एक जो एसटीपी इशार में 27 करोड़ करनाल में बेहतर को उसकी जस्टिफिकेशन देने में लगे हुए, तो मैंने जब उस चीज को देखा तो मैं वहां से घर से वापिस सदन में पहुंचा, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, मैं आप जस्टिफाई कर रहे हो इसका मतलब कोई एसआईटी की जरूरत रिपोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया, मैं आपकी उसके ऊपर कोई वो नहीं करता क्वेश्चन, आपके उस पर ईमानदारी पे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपका तो दो ही लाइन का जवाब होना चाहिए कि ईमानदार अधिकारी की एसआईटी बनाकर इसकी जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जवाब दिया है तो मैं उस बात से बहुत आहत हूँ और मुझे इस बात का आज बड़ा अफसोस है कि आज की राजनीति किस स्तर पर जा रही है। ये ईमानदारी की बातें करना और वो बातें करना आज सिर्फ एक स्पीच, एक भाषण मात्र रह गया है। तो मैं पहले भी आप सभी साथियों से मैंने इस बात का ऐलान किया था, मैंने समर्थन
ईमानदार सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री को दिया था। लेकिन आज मुझे देखकर यह लगया है यहाँ वही ईमानदार है जो मुख्यमंत्री का यस मैन है, मुख्यमंत्री जी का लॉयल है जो, और ऐसे ऐसे लोग जिनके बिल्कुल क्लियर कट पूरा प्रदेश बोलता है अगर वो भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त हैं, उनको क्लीन चिट देना मुख्यमंत्री जी का, तो मैं ऐसे सरकार को उसको अपना समर्थन जारी नहीं रख सकता। मेरी आत्मा इस बात के लिए गवारा नहीं करती, तो मैं अपने साथियों के सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपना समर्थन इस भ्रष्ट सरकार का जो समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री हैं उससे वापस लेता हूं, और कल सुबह अपना लेटर मैं विधानसभा स्पीकर को वापसी का सौंप दूंगा सभी को। वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा समर्थन वापस लेने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, यदि उनके आरोप सही है और उनके पास इसके सबूत है तो हम इसकी जाँच का आदेश देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो किसी भी जांच का आदेश देने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि कुंडू के इस्तीफे से प्रदेश में भाजपा और जननायक जनता पार्टी की सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बलराज कुंडू द्वारा समर्थन वापस लेने पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग ठीक है, उनको आलोचना करने का अधिकार होता है, लेकिन देखा यह गया है कि नोन इश्यूज को इशू बना करके, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जनता में हो, इस प्रकार करने की एक वृत्ति ये खास करके कांग्रेस के लोगों की है। बहुत से विषय उन्होंने विधानसभा में उठाए, उन सब विषयों पर एक एक करके, और मैंने उनको जवाब दिया, उसका कोई उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो सारे उत्तर, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के नाते जुड़े हों, चाहे वो कॉरपोरेशन के नाते से हों, चाहे वो एजुकेशन का विषय हो, पावर का विषय हो, अर्बन लोकल बॉडीज का विषय हो, सब विषयों पर जो उन्होंने चार दिन में खड़े किए थे उसके ऊपर एक एक करके, क्योंकि मेरा दायित्व था, मैंने जवाब दिया। बल्कि बीच बीच में जो टोकने का एक उनका जो रवैया था वो भी अच्छा नहीं माना गया, कि आखिर चार दिन उन्होंने खूब बोला है तो उसका उत्तर सुनना उनका काम था। आज ये राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव ये पारित हुआ है, और अब कल एक नया कार्यक्रम, इस अगले वर्ष का बजट वो प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, वो क्या करते हैं वो तो उनसे बात की जाएगी, लेकिन मैंने कहा है कि कभी भी कोई आरोप ऐसा लगेगा जिस आरोप में, और स्पेशली मैंने एक वाक्य प्रयोग किया, क्रेडिबल प्राइमरी मटेरियल टू बिलीव, अगर कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास होता है तो हम किसी भी प्रकार की जांच कराने में कोई संकोच नहीं करेंगे, लेकिन बिना किसी मटेरियल के यदि कोई भी अनाप शनाप आरोप लगते हैं तो कोई भी लगाए उसका कोई कारण नहीं है, अन्यथा एक रास्ता खुलता है बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी सबूत के इस प्रकार का अपना दबाव बनाने के लिए काम करें वो लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। और उनको भी बताया कि आपके पास कोई तथ्य हों तो लेकर के आइए। देखिए, जब मैंने बताया ना कि जब मेरे पास ऐसे तथ्य हैं, उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में 200 रुपए से ऊपर, 200 रुपए से कम में सिरा गया, जबकि रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले चार साल में केवल एक साल में ऐसा हुआ, और वो एक मिल का नहीं हुआ, हरियाणा में जितनी मिलें हैं सबका हुआ। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इस प्रकार का विषय कहीं उत्तर प्रदेश की मिलों में, कहीं पंजाब की मिलों में भी आपको मिलता तथ्य तो वो लेकर के आइए, तब उसकी इंक्वायरी हम करा देंगे। बिना तथ्यों के किसी के साथ व्यक्तिगत रंजिश के कारण से कोई अगर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो उसको कम से कम उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी किसी प्रकार की जांच कराने का अर्थ क्या है, तथ्य चाहिए। नहीं, वो गठित है तो वो अपनी जांच प्रारंभ, प्रिलिमिनरी जांच वो कर लेंगे, लेकिन आज जो हमारे पास है हमने तो तथ्य बताए हैं, अगर उस जांच में भी और कोई तथ्य सामने आएगा तो देखेंगे। प्रदेश के बजट के तौर पर आप कल बजट पेश करने जा रहे हैं, सभी वर्गों से आपने बात की, क्या कुछ स्थान उन लोगों, उन तबकों को मिला है आपके बजट के प्रति? अच्छा है, कल बजट में बताऊं तो हरियाणा की जनता मेरी अपनी जनता है, मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा जनता मेरी है, हम सब लोग मिलकर के और एक जनता का बजट उस नाते से प्रस्तुत करेंगे, सबके हित का बजट होगा, जो उनकी अपेक्षा उसके ऊपर खरा उतरेगा। जिक्र आपने किया आज एक हुड्डा साहब को बहुत बुरी भी लगी वो बात,
वो क्या महसूस था, सदन के अंदर की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। क्या आपने आंकड़े रखे सर, क्या कोई टेक्निकल कारण है केवल अपराध के आंकड़े जो है वो इतने ज्यादा बढ़ गए अपराध, या फिर नहीं आंकड़े भी जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं वैसा नहीं बढ़े, और वो एक आंकड़ा मिसिंग पर्सन का जरूर बढ़ रहा है। वो हमने विभाग को कहा है कि मिसिंग होने वाले व्यक्ति किस कैटेगरी के हैं, वो बच्चों की मिसिंग है या महिलाओं के नाते से हैं, बुजुर्गों के नाते से हैं, या कभी ये भी हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जिसे सख्त किया जा रहा है मजबूती से, तो कुछ जो जो ऐसे अपराधी लोग हैं वो भी यहाँ से भाग करके, और उनकी भी एक FIR लिखी जा सकती है। तो किस प्रकार के कौन लोग कहाँ से, इसका विश्लेषण करने का बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से FIR में जो ऐसे लापता जो लोग हैं उनकी FIR ज्यादा है, बाकी किसी के ज्यादा नहीं। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये भी आपने कहा कि डार्क जोन में जिस तरीके से जो करेक्शन दिए जो रोके गए हैं या फिर आगे के करेक्शन के लिए ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाने वाले, कब तक ये एक नया बिल अभी इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में लाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें एक ग्राउंड वाटर बिल हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें एक इस प्रकार की अथॉरिटी बनाएंगे। अभी तक जो डार्क जोन करने का अधिकार है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड उनको है, अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को हमारा जो स्टेट का बोर्ड है वो अनुशंसा करेगा, और किसी ब्लॉक में अगर कोई एरिया उसमें अलग भी रखना है तो अलग रखा जा सकेगा। क्योंकि उदाहरण ऐसा आता है यमुना के किनारे भी कुछ ब्लॉक जो हैं डार्क जोन घोषित कर दिए गए जबकि पानी बहुत ऊपर है, टोहाना का ब्लॉक वो भी डार्क जोन घोषित कर दिया गया जबकि 10 से 15 फुट पानी है। तो इस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था नहीं बनाएंगे ताकि हम उस बात को आगे जनता के साथ न्याय कर सकें। तो मंत्री रंजीत चौधरी ने बयान पे क्या कहेंगे? मंत्री रंजीत चौधरी ने जो बयान दिया दिल्ली के दंगों को लेकर कि ऐसा होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी कोई जानकारी जो है वो मुझे और जरा विस्तार से पता लगेगी तो। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.